नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम खादिम इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो पूछते हैं कि अभी लेटेस्ट 3 आईपीओ हैं, उनमें से कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो उस आईपीओ का वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द बना के डालने वाला हूँ, आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसका आइकन भी दिखाई देगा। आप वो वीडियो को देखना ना भूलें ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कौन सा आईपीओ आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन दे सकता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन एक्टिवेट कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मेरे इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि पोटेंशियल गेन आपको इस आईपीओ में कितना मिल सकता है, लिस्टिंग डे के टाइम, आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा, आईपीओ के थोड़ा और डिटेल्स बताऊंगा, उसका इशू साइज क्या है इस प्रकार, और आईपीओ इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट फोलियो के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल बताऊंगा और आपको पीयर कंपेरिजन भी करके बताऊंगा कि इसके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। आइए सबसे पहले आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आईपीओ है ओपन होगा 2 नवंबर को और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 6 नवंबर 2017 की। अलॉटमेंट आपको होगा 10 नवंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका जो पैसा है वो 13 नवंबर तक आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा और इसकी जो लिस्टिंग है एक्सचेंज में वो 14 नवंबर 2017 को होगी। आईपीओ के थोड़े और डिटेल्स डिस्कस करें तो सबसे पहले आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो 543 करोड़ का रहने वाला है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू सेट की गई है वो 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर्स की सेट की गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड सेट है वो 445 से लेके 450 रुपये का सेट किया गया है और ये जो आईपीओ है 20 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अगर आप इसकी मैक्सिमम प्राइस बैंड पे आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 15,000 रुपये आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे और ये जो आईपीओ है एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट फोलियो के बारे में भी। ये कंपनी या इस आईपीओ की बात करूं तो ये जो कंपनी है स्टार्ट हुई थी 1981 में, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर भी कंपनी भी है और इसका जो मेन प्रेजेंस है या बोले जाए तो ऑपरेट करती है ये खादिम ब्रांड के अंदर। इसके बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं जिसके अंदर ये अपने शूज़ वगैरह या जो फुटवेयर से उनको बेच सेल करती है। इनका जो प्रेजेंस है ईस्ट इंडिया में बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ साउथ इंडिया में भी इनका प्रेजेंस अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। इनका जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल्स में है, एक है रिटेल के और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन के। आइए उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 वर्टिकल्स में काम करता है। जो पहला है वो है रिटेल स्टोर्स इन लोगों ने खोल के रखे हैं जो कि मिडल और अपर मिडल इनकम क्लास है या कैटेगरी है उनके वो ध्यान में रख करके ये उसमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखते हैं। पूरे इंडिया में लगभग 830 खादिम रिटेल स्टोरर्स हैं इनके, जिसमें से 167 जो हैं कंपनी के खुद के हैं और इन्हीं स्टोर्स में से इनका 70% जो रेवेन्यू है वो इन खादिम रिटेल स्टोर्स में से ही आता है। दूसरा जो वर्टिकल है इनका वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इनके लगभग 357 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं और इसमें से 167 जो हैं कंपनी के खुद के ओन्ड हैं। इस वर्टिकल में ये लोअर और मिडल इनकम कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं उनको ध्यान में रख के अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका सेल करते हैं। कंपनी के जो हैं पूरे इंडिया में 2 खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं और 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इन्होंने आउटसोर्स करके रखी हैं जहाँ से ये प्रोडक्ट अपना बना के लेते हैं। चलिए अब इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव है इनका, फ्रेश इशू में लाएंगे और ऑफर फॉर सेल में लाएंगे। फ्रेश इशू में से जो पैसा इनको मिलेगा ये इन्होंने जो टर्म लोन लेके रखा है उसका प्री पेमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, साथ ही साथ यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के थोड़ा एक्सपेंशन के लिए और अपने कॉरपोरेट के जो पर्पस होते हैं जनरल कॉर्पोरेट मीटिंग होती है उनके लिए पैसा यूज़ करेंगे। ऑफर फॉर सेल से जो पैसा मिलेगा इनको वो ये अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे जो ये बिजनेस को एग्जिट करके जाना चाहते हैं, उनके पास पैसा आएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये लगभग 550
करोड़ का आईपीओ है, तो इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो ऑफर फॉर सेल में है। लगभग 450 करोड़ का जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल में जाएगा, यानी शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा जो इस बिजनेस को एग्जिट करके जाना चाहते हैं। मात्र 50 करोड़ का जो अमाउंट है वो फ्रेश इशू के अंदर रहने वाला है। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने इस कंपनी के पिछले 3 साल का डेटा निकाल के रखा है, उसके बाद आपको बताता हूँ। FY15 में जो इनका टोटल एसेट वैल्यू था वो 345 करोड़ का था, जो कि FY17 में बढ़ के लगभग 410 करोड़ के आसपास हो चुका है। टोटल रेवेन्यू भी 2015 में 450 करोड़ से बढ़ के लगभग 625 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था FY15 में, थोड़ी कुछ कंपनी में बुरी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से नेगेटिव में गया था, लेकिन उससे पहले इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था। और करंटली इनका जो है वो 30 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर टैक्स में। ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट है आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और जैसे इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने का बात की है उस हिसाब से फ्यूचर स्कोप भी इस कंपनी को बहुत ही अच्छा है। आइए अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं। तो इनका जो ईपीएस बैठता है वो लगभग 17.7 रुपये का बैठता है, और इनका जो प्राइस पर अर्निंग है वो लगभग 42 की है, और नेट रिटर्न ऑन वर्थ बोला जाए तो इनका लगभग 16.6 का रिटर्न ऑन नेट वर्थ बैठता है। आइए अब इनके पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो मैंने 4 कंपनी इनकी कंसीडर की है, बाटा, रिलैक्सो और लिबर्टीज। सो बाटा का जो ईपीएस है वो लगभग 12 का है, और रिलैक्सो का 10 का है, लिबर्टी का 3 का है, खादिम का 17 का बैठता है। पी रेशियो जो है वो बाटा का 42 है, रिलैक्सो का 47 है, और लिबर्टी का भी 47.35 है। खादिम ने अपना 42 का पी रेशियो सेट किया है। रिटर्न और नेट वर्थ जो है बाटा का 12 का है, रिलैक्सो का 20, लिबर्टी का 3 और खादिम इंडिया का 16 का बैठता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकती है, लंबे रन के लिए भी आपको जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है, पर ये मेरा पर्सनल व्यू है। आइए अब एक मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का जवाब भी देख लेते हैं कि अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में चल रहा है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है तो ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको 20 शेयर्स के हिसाब से लगभग लिस्टिंग डे के दिन 2000 रुपये का गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रे मार्केट प्राइस है टाइम टू टाइम और मार्केट कंडीशन और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। तो ये जो 100 रुपये का ग्रे मार्केट प्राइस है ये आज की डेट में है, ये प्राइस में चेंज हो सकता है। अगर आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस पता करना है तो आप मुझे मेरे ट्विटर पेज पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा अभी करंटली महिंद्रा लॉजिस्टिक, न्यू इंडिया एश्योरेंस और ये जो खादिम इंडिया लिमिटेड, ये 3 आईपीओ मार्केट में ओपन है। इन तीनों का ही मैंने एक कंपेयर करके वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको भी देखना मत भूलिए। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा आईपीओ आपको अप्लाई करने से सबसे ज़्यादा गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।